हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं वर्कआउट बॉक्सिंग कंडीशनिंग। टोटल 25 मिनट्स का वर्कआउट रहेगा। ये सारी एक्सरसाइजेस हेल्प करेगी हमारी पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड को बढ़ाने में। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेचिंग के साथ में, और हमें इक्विपमेंट्स लगेंगे बारबेल और डंबल। अगर आपके पास में वेट्स अवेलेबल नहीं है तो आप बिना वेट्स के साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्कआउट रहेगा मोबिलिटी, वार्म अप, मेन वर्कआउट, लास्ट में थोड़ा सा कोर और फिर स्ट्रेचिंग। जो भी फिटनेस के लिए वर्कआउट करना चाह रहा है आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डीप स्क्वाट, एंकल मोबिलिटी, जो कि हेल्प करेगा आपको आपके एंकल को मोबिलाइज करने में। इसके बाद हम करेंगे थोरैसिक स्पाइन रोटेशन। आप अपना एक पाम फ्लोर पर रखेंगे और एक पाम ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद हम कर रहे हैं कैट एंड कैमल, जो मोबिलाइज करेगा आपके स्पाइन को। इसके बाद हम करेंगे टी स्पाइन रोटेशन। आपका एक पाम फ्लोर पर रहेगा, बॉडी एक लाइन में रहेगी और दूसरा पाम ऊपर। अभी स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा वार्म अप, जो कि है जंपिंग जैक्स। आप हमारे साथ ही साथ फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी के दिक्कत है जंप करने में तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंप नहीं करोगे भी तो चलेगा। अभी करेंगे फ्रंट जैक्स, शफल करना है टोस पे। अभी किक्स करनी है फ्रंट एंड बैक। साइड टू साइड बैक किक्स। टो टचेस करने हैं हमें। साइड टू साइड किक्स करेंगे सिंगल लेग और फिर चेंज लेग। और अभी करेंगे टो टच और हील टचेस। सामने से टो टच करना है और पीछे जब लेके जाएंगे हील टच करना है। हाई नीज थोड़े से। और हम करेंगे अभी कंटिन्यू पंचेस स्ट्रेट। कंटिन्यू अपर कट्स, कंटिन्यू हुक्स, और जंप एंड टो टच ना। अगर किसी को दिक्कत है तो नॉर्मल जंप कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको यही करना है। एंकल रोटेशन, हिप रोटेशन,
और साइड टू साइड आर्म स्विंग। आर्म रोटेशन। रिवर्स। रिस्ट रोटेशन। नेक साइड टू साइड रोटेट। अप एंड डाउन रोटेट। फिर से साइड टू साइड। स्टार्ट कर रहे हैं हम मेन वर्कआउट जिसमें है डंबल थ्रस्टर्स। हमने ऑलरेडी टाइम लगाया हुआ है, आप हमारे टाइम के साथ में फॉलो कर सकते हैं। हमें डंबल थ्रस्टर्स जिसमें कि आपको स्क्वाट में जाना है और जैसे ही आप ऊपर आते हो आपके दोनों हैंड्स थ्रो करने हैं इन द एयर। प्रेस टाइम। नेक्स्ट वर्कआउट है सुपरमैन अप एंड डाउन जिसमें कि आप लेट जाओगे और फिर अप एंड डाउन करोगे स्टमक पे। तो हम डंबल थ्रस्टर्स और सुपरमैन कर रहे हैं टोटल 4 सेट्स के लिए, जिसमें से हमने एक सेट ऑलरेडी कर लिया है और 3 सेट करेंगे हम साथ ही में। तो साथ ही साथ ही करते रहना हमारे साथ। आपके पास वेट्स नहीं है तो विदाउट वेट्स कर सकते हो आप, या फिर आपके पास घर में कोई बोतल होगी तो उसमें आप पानी भर के 2 बोतल ले सकते हो और आप वेट लिफ्ट कर सकते हो। नहीं वेट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट वेट्स भी कर सकते हैं। रेस्ट टाइम। और फिर से करेंगे हम सुपरमैन अप एंड डाउन। सुपरमैन में आप लाई डाउन ऑन पूरा बॉडी पे, स्टमक पे लाई डाउन। देन जब भी आप ऊपर आते हो आप रहोगे स्टमक पर। आपको सांस लेना है, इनहेल ऊपर आना है और एक्सहेल डाउन। अभी हम करने जा रहे हैं सेट 3, फिर से डंबल थ्रस्टर्स। करते रहिए हमारे साथ ही साथ। कम ऑन एवरीवन, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ शोल्डर में स्ट्रेंथ लाने के लिए। फिर से सुपरमैन
सुपरमैन जो कि एक्सरसाइज है, हमें हेल्प करती है हमारी कोर को स्ट्रॉन्ग करने में, लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने में। साथ में करना है पुश, रुकना नहीं है। कम ऑन एवरीवन, पुश करते रहो, खुश रहो। सेट हुआ है कंप्लीट, और एक सेट बचा है, इसके बाद चलिए डंबल उठा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। पुश करना है, मैक्सिमम रेपिटेशंस करने हैं, साथ ही साथ हमने कम वेट्स लिए हैं। आपको अगर वेट्स बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हो, या फिर कम वेट्स के साथ में ज़्यादा रेप्स कर सकते हो, ज़्यादा रेप्स बना सकते हो। कम ऑन पुश एवरीवन एंड रिलैक्स। नेक्स्ट फिर से सुपरमैन। हमने कर लिए है पूरे 4 सेट कंप्लीट। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइजेस, जिसमें कि हम करेंगे फर्स्ट वन जो है हैंड रिलीज पुशअप्स। तो इसमें हैंड रिलीज पुशअप्स में जब भी आप जाते हो, पूरा नीचे जाते हो, आपके दोनों पाम्स जो है अपने चेस्ट के पास रहते हैं, और जैसे ही आप नीचे जाते हो हैंड रिलीज करते हो और साथ में जल्दी से पुश करते हो ऊपर। ये एक्सरसाइज हेल्पफुल है आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपके बाइसेप्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके ट्राइसेप्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और आपकी कोर के लिए भी अच्छा है। तो नीचे जाना है और जल्दी से ऊपर में पुश करना है। अब हम करेंगे सेकेंड वाला एक्सरसाइज, जिसमें है फिर से लेग्स वाला वर्कआउट। तो हम करेंगे जंप स्क्वाट्स, इसमें जंप स्क्वाट्स। अगर किसी को जंप में प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल स्क्वाट्स कर सकते हो। जैसे ही जंप करते हो आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ आपको थ्रो करने हैं, जिससे कि बॉडी का फ्लो अच्छा बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा बॉडी का। यहाँ पे हमने कर लिया एक सेट कंप्लीट। फिर से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वाला सेट, हैंड रिलीज पुशअप्स। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज, पुश करना है साथ में। कम ऑन गाइस, यस, पुश करते रहो, खुश रहो, पुश करो, पुश करो, कम ऑन। नीचे जाना है, ऊपर आते ही एक्सहेल आउट, इनहेल, नीचे जा, ऊपर आओ, एक्सहेल। कम ऑन, कम ऑन गाइस, कम ऑन एंड रेस्ट। ओके, फिर से जंप स्क्वाट्स का सेट। आप ड्यूरिंग द राउंड सिप सिप पानी भी पी सकते हो। कम ऑन, जितना ऊपर हो सकता है आप जंप कर सकते हो।
मैक्सिमम रेपिटेशंस। जब भी लैंड करोगे आराम से लैंड करना, धड़ाम से लैंड मत करना, नहीं तो नी का इंजरी भी हो सकता है। रेस्ट टाइम में मज़े करो, रिकवर करो, लंबी सांसें भरते रहो, थोड़ा सा पानी पी सकते हो सिप सिप, ज़्यादा नहीं पीना। बढ़िया, अपने पाम अपने क्लोज चेस्ट के क्लोज रखने हैं। और फिर से एक सेट करने आया हमें फोर्थ नंबर वाला, टोटल चार सेट इसके। स्टार्ट करो जंप स्क्वाट्स, कम ऑन, यस। तो ये हमने कर लिए टोटल चार सेट। उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट टू एक्सरसाइजेस। स्टार्ट कर रहे हैं बारबेल पे, बारबेल फ्रंट प्रेस के साथ में। इसमें आपको बारबेल पकड़ना है अपने शोल्डर्स के ऊपर, और जैसे आप जंप बाहर में करते हो आपको दोनों हाथ एक्सटेंड करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी आपकी पंच की पावर को बढ़ाने के लिए, काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज। अगर आपके पास बारबेल नहीं है तो आप विदाउट बारबेल भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। जैसे ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, हम करेंगे सेकंड वाला एक्सरसाइज। सेकंड वाला एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं फ्रॉगर्स। तो आपको जंप करना है, जंप बिसाइड योर पाम, दोनों पाम के बाहर में आपको जंप करना है। काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज। फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा इसमें, बेहतर। फिर बारबेल फ्रंट प्रेस, जब भी आप प्रेस करोगे आपके दोनों हाथ जो रहेंगे शोल्डर के लाइन से थोड़ा ऊपर, या फिर शोल्डर लाइन तक, या फिर चेस्ट लाइन तक पुश करते रहना है। कम ऑन एवरीवन, बढ़िया। फिर से फ्रॉगर्स का सेट, जंप बिसाइड योर पाम, कोर के लिए, आपके ग्लूट्स के लिए, इनर थाइस के लिए, शोल्डर्स के लिए बढ़िया एक्सरसाइज। पुश करते रहो, पुश करते रहो। तो ये हमने कर लिए इसके दो सेट्स कंप्लीट। बढ़िया, इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट करेंगे थोड़ा कोर एक्सरसाइज। थोड़ा सा वेट्स वेट साइड में कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम करेंगे हाई टो टचेस।
बहुत सारे रिकवरी टाइम जिसमें आप अपनी सांसें कंट्रोल कर सकते हो, रिकवर कर लो। साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं हाई टो टचेस के साथ में। आपको दोनों लेग्स रखना है स्ट्रेट और ट्राई करना है अपने टोज को टच करने के लिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है ट्राई कर टो को टच करने में, तो आप अपने नीज को बेंड करके भी टोज को टच कर सकते हो। कोर के लिए बढ़िया एक्सरसाइज। तो एक सेट हमने कर लिया है, अभी हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज जिसमें कि है लेग रेज होल्ड। शोल्डर्स को आपको स्लाइटली ऊपर रखना है और लेग्स अपने 45 टू 30 डिग्री पे आप रख सकते हो। आपको यहाँ पे करना है कोर को एंगेज। यस, तो हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया, रेस्ट रिकवरी, और फिर से सेकंड सेट के लिए तैयार। फिर से टो टचेस। डिफ़िकल्टी है तो आप नी को भी टच कर सकते हो या फिर अपने शिन बोन को भी टच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कुछ ने अपने पैर बेंड करके रखे हैं, आप अपने पैर बेंड करके भी ट्राई कर सकते हो टो को टच करने के लिए। तो 22 मिनट का वर्कआउट यहाँ पे फिनिश हो चुका है और बचा है फिर से एक सेट। तो यहाँ हमने कर लिया वर्कआउट फिनिश। फेस बम करेंगे पार्टनर के साथ, एप्रिसिएशन करेंगे एक दूसरे का, और सभी को काफ़ी धन्यवाद आपने हमारे साथ वर्कआउट किया। ऐसे ही हमारे साथ वर्कआउट करते रहिए, हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस के बारे में कोई सजेशन है, फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसी वीडियोस आप अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और कुछ हमारे लिए फीडबैक हो तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंजॉय योर वर्कआउट।